हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.3 हमारी चल रही है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सम फाइंड करना है। तो हमें कुछ सीक्वेंस दिए हुए हैं, तो हमें सम फाइंड करना है। तो पहले हम लोग सम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी। और दूसरा फॉर्मूला अगर हम लोग लिखना चाहें तो ए प्लस ए एन हम लोग लिख सकते हैं। और साथ ही में ए एन का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखना चाहेंगे अपन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे एक्सरसाइज है और सेकंड क्वेश्चन भी इससे अलग नहीं है, इसमें भी यही फॉर्मूलेज यूज होंगे। तो मैं पहला सीक्वेंस यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 7 प्लस 10 1/2 +14 +84। तो ये मेरे पास एक सीक्वेंस दे दिया है। अब अगर आप देखो यहाँ पर हमारे पास 7, 10, 1/2, 14 है और लास्ट में 84 के साथ प्लस दिया हुआ है। तो जब भी आपको ऐसे सीक्वेंस दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो आपको लास्ट वैल्यू दे रहे हैं वो an की वैल्यू है। an इज इक्वल टू 84, यानी कि nth टर्म की वैल्यू आपको 84 दी हुई है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन। प्लस 84 का मतलब यह है कि जो 84 वैल्यू है वो इसी एपी का एक पार्ट है। तो ए एन की वैल्यू मुझे मिली है 84। नाउ अब मैं क्या करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे पहले ए की वैल्यू है 7, डी कैलकुलेट कर लेंगे अपन, ए टू में से ए वन माइनस करेंगे। तो 10 1/2 इज 21/2 और ए वन की वैल्यू 7 है। एलसीएम लेंगे तो 21 -14 7/2 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस आ गया है। अब एन नहीं पता मुझे, दैट इज एनथ टर्म या एन वैल्यू, सॉरी एन टर्म तो पता है, एन की वैल्यू नहीं पता कि कितनी टर्म्स है। तो मैं क्या यूज करूंगा, ए एन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा जो लिखा भी हुआ है अपने साइड में, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू ए एन। तो ए जो फर्स्ट टर्म है वो 7 है, एन नहीं पता, डी है 7/2 और ए एन की वैल्यू है 84। जो 7 है वो राइट साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 84 में से 7 माइनस कर देंगे। जब 84 में से 7 माइनस करेंगे तो 77 आएगा। अब जो 7/2 है जब आप दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो वो 2/7 बन जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी कैन से। तो ये यहाँ पर 11, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22, तो n की वैल्यू आ गई 22 + 1 दैट इज इक्वल टू 23। तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास 23 आ गई है। तो यानी कि ये जो अपने को सीक्वेंस दिया हुआ है इसमें टोटल 23 नंबर टर्म्स हैं, वी कैन से लाइक दैट। ओके आफ्टर दैट अब आप एस एन का क्या यूज कर लेंगे, फॉर्मूला। तो एस एन का फॉर्मूला अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। अब आप एस एन का ये वाला और ये वाला दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला में भी सारी टर्म्स हैं और एस एन सेकेंड फॉर्मूला में भी हमारे पास सारी वैल्यूज हैं जो जो हमें रिक्वायरमेंट है। लेकिन क्योंकि फर्स्ट वाले में कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी तो इसीलिए हम लोग सेकेंड फॉर्मूला यहाँ पर इजिली लगा सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पे लाइन पहले ड्रॉ कर देता हूँ। ओके तो चलिए मैं यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये वाला। तो एन की जगह 23 लिख देते हैं क्योंकि 23 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो एन बाई टू यानी कि 23/2, ए है फर्स्ट टर्म जो 7 है और ए एन की वैल्यू है 84। तो 23/2 मल्टीप्लाई बाय 91,
अब 23 को 91 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मैं 23 को 91 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2093 अपॉन 2, ये मेरे पास आंसर बन जाएगा। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कैलकुलेट करके दिखा सकते हो, पॉइंट्स में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, या फिर आप यहीं पे भी अपना आंसर लीव कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का डन हो गया। ओके, तो अब अपन सेकंड यहाँ पे पार्ट करेंगे, इसको अपन क्लियर कर देते हैं, जो जो पार्ट अब अपने को नहीं चाहिए। ये मैंने क्लियर कर दिया है ऑलमोस्ट ही सारा। चलिए अब करते हैं सेकंड सेकंड सीक्वेंस, पहले मैं लिख देता हूँ। तो सीक्वेंस नंबर 2 है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10, तो ये मेरे पास सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली ए की वैल्यू है 34 फर्स्ट टर्म, डी जो है वो A2 माइनस A1 है, A2 की वैल्यू 32 और A1 की वैल्यू 34, तो ये आपका माइनस का 2 आएगा। एन हमें नहीं पता यहाँ पे भी, तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया, यहाँ पे जो प्लस का 10 है वो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, जो प्लस लगा हुआ है, तो मतलब ये An की वैल्यू है, 2 हमें दी हुई है 10। तो An का फॉर्मूला A+N-1 × D इज इक्वल टू 10 हो गया। नाउ A इज 34, एन हमें नहीं पता और डी मेरे पास माइनस का 2 है। नाउ 34 जो है आप उसे राइट साइड में लेकर जाओगे तो ये बन जाएगा माइनस का 34। तो 10 में से 34 माइनस करेंगे तो माइनस का 24 आएगा। अब जो माइनस 2 है आप उसे शिफ्ट करेंगे राइट साइड तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में होने के बाद ये कटेगा 12 पे, तो एन की वैल्यू है 12+1 = 13। तो नंबर ऑफ टर्म जो है वो 13 आ गई है, इस एपी में 13 टर्म्स हैं। ओके, अब अपन लगाएंगे यहाँ पर एसएन वाला फॉर्मूला, जैसे मैंने प्रीवियस में किया, यहाँ पे भी अपन सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी कम होंगी। तो 13 टर्म्स की वैल्यू पता करनी है, एन मेरे पास 13, ए की वैल्यू है मेरे पास 34 और एन की वैल्यू है 10, मतलब ऐड करना है सभी टर्म्स को, 13 टर्म्स को, तो देखते हैं क्या आता है। तो ऐड करेंगे 44, ये 22 आ गया, तो 22 को अब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 286 जो है वो हमारे पास आंसर बन गया। तो 286 जो है वो अगर इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे तो 286 हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा और यही हमसे पूछा गया है। ओके, लेट अस डू पार्ट नंबर 3, इसे अपन क्लियर करेंगे। अब पापा ये तो हमने ये इसको इरेज कर दिया है आसानी के साथ। अब अपन थर्ड पार्ट जो है वो करने वाले हैं, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास सीक्वेंस है 5+(-8)+(-11) और ये जाएगी कहानी -230 तक। ओके, तो ए की वैल्यू 5 गिवन है, डी कॉमन डिफरेंस निकल सकता है A2 - A1, A2 की वैल्यू है -8 और A1 की वैल्यू +5, तो ये हो जाएगा -13। नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, तो An हमें पता है, दैट इज -230। तो अब An का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, A+N-1 × D इज इक्वल टू An। तो ए जो है उसकी वैल्यू पुट कर दी, एन नहीं पता, डी है -13 और एन की वैल्यू है -230। अब जो 5 है अगर हम लोग उसे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -5,
हो गया। नाउ एन माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस का 13, तो ये हो जाएगा माइनस का 235। अब एन माइनस वन इज इक्वल टू जो माइनस का 13 है वो आपका चला जाएगा डिवाइड के अंदर, तो ये डिवाइड हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे बी की वैल्यू माइनस माइनस का 5 है, सॉरी यहाँ पे माइनस का 5 है, तभी गलत हो गया, तभी नहीं आया। तो चलो ये सारे ही क्लियर करना पड़ेगा, तो गलत नोट कर लिया वहां पे। ए की वैल्यू माइनस का 5 थी, तो फिर ये माइनस, तो एक और माइनस यहाँ पर लगेगा क्योंकि ये तो फॉर्मूले का हो गया, तो ये बन जाएगा माइनस का 3। तो डी निकल के आ गया है माइनस का 3, एन मुझे नहीं पता, थोड़ा सा बेटर वे से लिख देते हैं माइनस का 3। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ए की वैल्यू है माइनस 5, एन हमें नहीं पता, डी है माइनस का 3 और ए एन जो है वो माइनस का 230 है। तो माइनस का 5 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 5, तो एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 225। तो माइनस 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये कटिंग करके बनेगा 75। तो माइनस 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस 1, तो दैट इज इक्वल टू 76। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 76 यहाँ पर हमारे पास बनेंगे। अब n कैलकुलेट हो गया है, नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट Sn। तो Sn का फॉर्मूला आपके पास ही है, तो S 76 n अपॉन 2 a प्लस an, फर्स्ट टर्म है माइनस का 5 और an की वैल्यू है माइनस का 230। 76 को 2 से डिवाइड करेंगे 38 और माइनस का 230, तो 38 की मल्टीप्लाई माइनस का 235 से करेंगे। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेट अस सी क्या आंसर आता है। तो आई एम गेटिंग माइनस का 8930, तो ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। यानी कि अगर इस एपी की सीक्वेंसेस की 76 टर्म्स को ऐड करेंगे तो माइनस 8930 हमारा आंसर बनेगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीटली डन हुआ, इसके 3 पार्ट थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे, इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।